अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों हम भरूच में हैं एट AS गोट फार्म, यस यस, है ना। हाँ। अरमान, अरमान शेख, अरमान शेख नाम है आपका। आप कितने टाइम से ये शौक कर रहे हैं अरमान? ये शौक मुझे लगभग 1.5 साल हुआ ये शौक में मेरे। सही, आपकी एज क्या है? मेरी एज 15 साल है। 15 ईयर्स, और आप लगभग 14 साल 13 साल से काम कर रहे हैं और फुल एनर्जी के साथ माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा देख के यंग लोग। ये शौक आपके अंदर आया कैसे? ये शौक ये जो मंडी के अंदर सेल करने जाते थे हम पहले बकरे, वहां से मुझे शौक चढ़ा। सही, और घर में और कोई पालता था पहले? अब्बा नहीं नहीं नहीं, ओनली मैं ही पालता हूं। आप ही पालते हैं माशाल्लाह, सही है। तो आप इसको क्या करना चाह रहे, ब्रीडिंग सेटअप करोगे के? ये मुझे प्योर पतीरा पे ब्रीडिंग सेटअप करना है। प्योर पतीरा रखो, ओरिजिनल पतीरा, हाइट पैड वगैरह कुछ भी? हाइट पैड वाइपैड कुछ नहीं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? आपके पास में एक हैदराबादी ब्रीडर है, अब जाहिर सी बात है अगर प्योर पतीरा में काम करना है तो उसको भी बेचना पड़ेगा। लेकिन आपने भी वो रिसेंटली खरीदा है, बेस्ड हो गया अभी? हाँ, उसे सेल करके उससे अच्छी चीज लाना है। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक हैदराबादी बकरा दिखाएंगे, 6 से 7 बकरिया दिखाएंगे, छोटे बच्चे है वो माँ के साथ ही दिखा देंगे, माँ के साथ ही दिखा देंगे, और कुछ बड़े बच्चे है जैसे ये अलग अलग दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो शुरुआत करते हैं आपके सबसे फेवरेट बकरे से। ठीक है, इससे करते हैं, आइए। ये आपका फेवरेट बकरा, जो ये पूरे सेटअप में एक ही चीज है जो भाई नहीं बेचेंगे, ये काठियावाड़ी बच्चा। तो बैठो ना, ये बच्चा आपने कहाँ से खरीदे थे? ये बच्चा मैं है ना भाई भरवाड़ के पास से लेके आया था, मतलब जो ग्रेजिंग कराते हैं भरवाड़ बोलते हैं उसको। 11 बच्चे लाया ना, 11 में उसको एक ही बच्चा है शेपर्ड। क्या किए बाकी 10? वो सब मर गए थे मेरे पास, एक ही बच्चा ही बचा था। 11 बच्चे लाए थे, 10 बच्चे मर गए। तो क्या सीखने मिला उससे? ये भाई इधर जी, छोटे बच्चे नहीं लाना चाहिए, ये बच्चे मैं दूध पीते लाया था, 1 से 5 दिन के बीच में के बच्चे थे भाई। आप 11 बच्चे लाए थे 1 दिन से 10 दिन के बीच के, दूध पिलाते थे बॉटल से, सब अकेले करते हो, स्कूल भी जाते हो? कौन सी क्लास में अभी? मैं अभी 10th में हूँ फिलहाल, अभी 10वीं में हूँ। तो अभी मेरे हिसाब से तो ये साल आपको थोड़ा सा कम बकरे पालो भाई, हाँ 2-4 ही पालो भाई प्लीज। ठीक है, और इसलिए निकालना, क्या क्या परेशानी हुई ये बच्चे के साथ वो बताओ लोगों को। ये बच्चे को 2 बार लकवा मार गया था इसको, मतलब पैरालिसिस हो गया था, और 2 बार ये बच्चा PPR में आया था, 2 या 3 बार, और 4-5 बार ये हुआ। तो आपने इसको सही किया, अल्लाह के उसकी ट्रीटमेंट मैंने करी, बहुत अच्छे। तो ये एक सेल नहीं करेंगे? हाँ, एक सेल नहीं करना, ये कुर्बानी के लिए जाएगा इंशाल्लाह। आप इसकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। आइए अभी 2-3 जो इससे इसके जैसे बच्चे वो दिखा दो, हाँ, दिखा दो, रेट के साथ बता देंगे। जिसको भी खरीदना भाई से कांटेक्ट करना, हाँ, एक यंग टैलेंट को सपोर्ट करना आज अपने को। ये बकरा बच्चा है, 3.5 से 4 महीने का बच्चा है। घर पे पैदा हुआ भाई है? नहीं भाई, ये मैं लाया था, ये 4 बच्चे में लाया था, 4 में से अभी 3 ही है। 3 ही है, हाँ। अभी ये सेट हो गया इधर? हाँ, एकदम सेट हो गया। सही है, 15-20 दिन से मेरे पास है बच्चे। 15-20 दिन से, हाँ, मतलब रिसेंट में ही लाए हो अभी? हाँ, रिसेंट में आया है। ये कितने में देने का आपको? ये मुझे फाइनल देना है 10,000 रुपए में। 10,000 रुपए में देना है दोस्तों, हाँ। ठीक है, कोई गुजरात से ले तो बेहतर है, यू हैव टू सपोर्ट दिस गाय, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। आइए ये 2 बच्चे दिखाते हैं, ये भी नर है दोनों? हाँ, दोनों नर है भाई, दोनों गुलाबी में एकदम है, ये कहाँ से लिए बच्चे आप? ये बच्चे मैंने मारवाड़ से मंगाया था, मैं अपने ट्रेन में मंगाए, ट्रेन में मैं मंगाया था, तो दो दो करके आए होंगे? हाँ, दो दो तीन दिन करके आया था मार, है ना। 4 बच्चे आए थे, हाँ, जिसमें के 3 है अभी, हाँ, एक मैंने सेल कर दिया, एक सेल हो गया कि ये बताए। और ये 2 का क्या रेट है भाई? ये दो का 18,000 रुपए है ना, जोड़ी का 18,000 रुपए, 9,000। कोई अगर सिंगल लेना चाहता है तो भी दे देंगे, खा पी रहे अच्छे से? एकदम कंप्लीट खा पी रहे, चलेगा। तो ये वाले बच्चे दिखा दी हमने जो सिंगल देने हैं, अभी है ना, पहले आपकी बकरियां निकालते एक एक करके और उनके बच्चों के साथ दिखाए। आइए, तो दोस्तों भाई की एक एक करके बकरियां देखेंगे, और ये बकरी के साथ में एक छोटा बच्चा भी है। बच्चा नर है कि मादा है भाई? फीमेल पार्ट है ना, अच्छे लंबे कान में आई है, व्हाइट आइस के अंदर आई, व्हाइट आइस में पूरी, और दाना चारा भी खा रही है अभी, और दूध भी पी रही है, दूध भी पी रही है फिलहाल। बकरी को पहले से एक थन था कि कुछ प्रॉब्लम हुआ था? मैंने है ना भाई, जब से ली तब से एक ही थन है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भरपूर दूध आ रहा है उसमें।
एकदम जम्बो है, फुल साइज के अंदर बकरी है। ये अभी गाबन है, खाली है, ये खाली है, 25 दिन का बच्चा है इसके लिए, 25 से 30 दिन का। वो दिखती ऐसी है कि 3 महीने गाबन है। लाए जब से ऐसी हो? आज जब से ऐसे ही है। एक आध बच्चा अंदर तो नहीं रह गया? पूरी गुलाब दो बच्चे डाले थे, एक उसका मेल किड मर गया, मेरे पास मर गया, और ये फीमेल किड, फीमेल बच गई। तो ये माँ और साथ में बच्चा, ये कितने में देंगे आप? एकदम फाइनल 24,000 रुपए में देना है। 24,000 रुपए में एकदम फाइनल, इसमें निगोशिएट नहीं होएगा। बच्चा गोद में लो, एकदम खुले कान में। 24,000 जंबो साइज बकरी, एक थन है लेकिन दूध इतना आता है जितना दो थन में नहीं आता है बाकी बकरियों को, ठीक है। और इसके साथ में एक फीमेल किड, एक मेल बच्चा और था जो मर गया, वो मर गया, ठीक है, चलेगा। पहली बकरी देख ली आपकी, एक फीमेल किड के साथ, अब दूसरी बकरी देखेंगे हम। माशाल्लाह दूसरी बकरी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी वाइट कलर की बकरी, गुलाबी बकरी, राउंड फेस के अंदर है और पूरी गुलाबी है ना भाई? हाँ पूरी गुलाबी एकदम। ये कब से आपके पास में? ये मेरे पास है ना, लास्ट अगस्त में मैंने ली थी, मतलब ऑलमोस्ट वन ईयर के है ना, 11 मंथ्स हो गए लगभग। और ये बकरी आई थी तो गाबन आई थी, खाली आई थी? ये बकरी खाली आई थी मेरे पास। बच्चा दी एक साल में आपने? एक जोल मैंने इसका लिया, बच्चे हैं अभी? नहीं, उसका बच्चा मैंने सेल कर दिया। सेल कर दिया, ठीक है। तो बकरी अभी खाली है कि गाबन? बकरी मेरे रिसेंटली 15 दिन पहले हाईपेड बकरे से लगाई है, 15 से 20 दिन पहले। लेकिन आप इसको खाली बोल के सेल करना पड़ेगा? खाली बोल के ही दूंगा मैं, है ना। क्या आप इसका आस्किंग कुछ प्राइस है भाई? आस्किंग इसके 23,000 रुपए रहूंगा। 23,000 रुपए से, ठीक है, ठीक है। और लगभग ये फाइनल रेट ही है जैसा भाई बता रहे थे। तो जिसको भी चाहिए, आपको भी मालूम है ऐसी बकरियां कितने में मिलती है क्या है, भाई लोगों का शौक भी करा रहे हो, खुद भी शौक करते हैं। नॉर्मल आइस के अंदर है, राउंड फेस के अंदर है, जिसको भी चाहिए कॉन्टेक्ट कीजिए इंशाल्लाह। चलो, ये भी फुल वाइट है लेकिन नीलाई नहीं हमारे भाई, है ना, नीलाई नहीं क्योंकि मौसम बहुत खराब है। ये देख सकते हैं आप, एकदम डल मौसम है, कभी बारिश जैसा हो रहा है, कभी नॉर्मल हो रहा है, तो कुछ बोल नहीं सकते। ये बकरी आपने कब और कहाँ से ली थी? ये बकरी मैंने जनवरी में ली थी, मुंबई से मैंने ली थी बकरी। मुंबई में से आपने ली थी इन जनवरी? जनवरी में ली थी। सही है, मुंबई में कहाँ से ली थी आप? मुंबई में मैंने भिवंडी से। भिवंडी से आपने इसको परचेज किया था। बकरी गाबन आई थी, खाली आई थी? बकरी के साथ एक बच्चा आया था भाई, वो मैंने सेल कर दिया। वो आपने फटाफट सेल कर दिया? अभी रिसेंटली आपको देख के ना, मेरे को उस्मान भाई की याद आती है, शोलापुर वाले, ही इज ऑल्सो वेरी यंग, उन्होंने भी बहुत यंग स्टार्ट किया था और ऐसे सेलिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बकरी अब गाबन है के खाली है? अभी कंफर्म 2 महीने की लोड है। कंफर्म है ना? कंफर्म 2 महीने की लोड है। अच्छी बकरी है दोस्तों, शौक करने के। 16 के कान के आईपैड से लोड है। माशाल्लाह, ये कितने में देना चाह रहे हैं आप? ये मेरे फाइनल 21,000 रुपए में देने की। फाइनल 21,000 में थन वगैरह भी सही, अच्छी बकरी है दोस्तों। दोनों आंचल चालू है, निलाने की देर है, एकदम चमक जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। जिसको भी पसंद आ रही है फोन करे, किसी को पूरी बकरी भी इनकी चाहिए ना तो भी बात कर सकते हैं, ले जाओ भाई इसको। आपके घर पे पैदा हुई थी ना? हाँ, मेरे घर पे पैदा हुई। इसकी माँ आपने दिखा दी है ना? हाँ। दिखा, पहले ही दिखाए थे। पहली बकरी दिखाई ना जंबो में, एक थन की बकरी। हाँ। उसकी बेटी है। हाँ, उसकी वो मतलब बहुत अच्छे बच्चे दे रही हो बकरी, ऐसा नल लगा हुए वैसे बच्चे निकाल। माशाल्लाह, ये हाइपेड नर से आई है? नहीं नहीं, ये प्योर हैदराबादी नर से आई थी। अच्छा, प्योर हैदराबादी बकरा लगा था। सही है, एकदम हाइपेड पीली अबलक में आई है, गुलाबी बकरी है, व्हाइट आइस के अंदर। और ये होएगी ऑलमोस्ट 6 महीने की, 6-6.5 महीने की, ठीक है। किसी को चाहिए शौक के हिसाब से रख सकता है। क्या मांग रहे इसका भाई आप? इसके 13,000 रुपए। 13,000 दोस्तों, सिर्फ मात्र 13,000 रुपए। अच्छी बकरी है पालने के लिए, माशाल्लाह आपके घर के लिए 13,000 रुपए के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन का जो भी चार्ज होगा सामने वाले को देना पड़ेगा, ठीक है, जो खरीदेगा ना उसको देना पड़ेगा। भरूच से ट्रेन भी अवेलेबल है, अहमदाबाद के लिए भी और बॉम्बे के लिए भी। जा बोलेंगे, सूरत बोलेंगे, सूरत भी भेज देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसको डाल दो भाई अंदर। ये एक और पार्ट आपके घर पे पैदा हुई है भाई? नहीं भाई, ये मैंने ली थी। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपके वो लेके? ये मैंने रिसेंटली 2 महीने हुए। अच्छा, कलर यूनिक है इसका, आइस कलर एकदम सोजत है, आई सोजत में से ही है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट होगी वही 6-7 महीने की। नहीं नहीं नहीं, इससे है ना भाई, इससे 2 लाख कर ली है, तो जल्दी भी कर लेते हैं ना। पर ये उम्र में ज्यादा नहीं है, होगी फिर ज्यादा से ज्यादा तो 8-9 महीने की होगी। 8-9 महीने की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। एक बार हीट पे आई थी, मैंने लगाई नहीं है बकरे से। सही है, दो दांत इसने थोड़ा जल्दी कर लिए दोस्तों। कोई कोई बकरा बकरी कर लेते हैं, ठीक है, शौक के हिसाब से किसी को लेना है, ठीक है, तो ले सकते हैं। इसका रेट क्या है भाई?
इसके 12,000 रुपए। दोस्तों रेट भी रीजनेबल है, 12,000 रुपए। आई होप थोड़ा सा निगोशिएट भी कर देंगे भाई, थोड़ा एकदम स्लाइटली होगा, ठीक है। 12,000 रुपए आस्किंग है बकरी के, ठीक है भाई। तो हमारे भाई भी आए माशाल्लाह, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दीजिए आप भाई। ये हमारे लवली गुड फार्म डेगाम वाले फरहान भाई है। माशाल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या कहाँ है आपका फार्म एक्चुअल में? इधर से 2 किलोमीटर पे पड़ता है। अच्छा, 2 किलोमीटर पे है। हाँ, 2 किलोमीटर। क्या बात है, आपके फार्म का नाम क्या? लवली गोट फार्म। तो पे भी आईडी है लवली गोट फार्म, और यूट्यूब पे भी। और आपका जो मेन काम है कौन सी नस्ल में? आईपैड में। तो आपका ये ब्रीडिंग सेटअप ऐसा है माशाल्लाह। तो अगर किसी को देखना है तो इंस्टाग्राम पे सर्च करें लवली गोट फार्म, और आपको इंशाल्लाह भाई के बारे में मालूम पड़ जाएगा। और हमारे दूसरे भाई भी है यहाँ पर, हमारे भरूची गोट फार्म के भाई है मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे आप? भाई के फार्म का नाम है भरूची गोट फार्म। वो कितना दूर है भाई यहाँ से? अच्छा, वही एरिया के अंदर है, दलगम रोड पे। आपका कौन सी नस्ल में ज्यादा काम है भाई? सेम, मतलब हाइट पैड और पतीरा का बहुत क्रेज चल रहा है एरिया में, यहाँ पे बहुत क्रेज है भाई। सही, तो आपके यहाँ भी रहता है सेलिंग के लिए अभी? अभी है। तो भाई को भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये बकरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसने 2 बच्चे दिए आपके पास। ये बकरी कहाँ से मंगाए थे आपने? ये बकरी भी मैंने भिवंडी से ली थी। भिवंडी से मंगाए थे आपने, और ये 2 बच्चे आए, जिसमें ये फीमेल है। ये फीमेल है, वो मेल है। वो मेल है। तो ये बकरी 2 बच्चों के साथ कितने में देंगे आप? 16,500। 16,500। 16,500 के अंदर 3 एनिमल्स है, जिसमे एक बकरी है और 2 बच्चे है, एक नर एक मादा है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भाई। एक और बकरी दिखा रहे भाई माशाल्लाह। ये कहाँ से लिए थे आपने? ये मैंने रिसेंटली भरूच से लिए। भरूच से लिए। नस्ल में अजमेरी है? नहीं, ये बकरी मेवाती और अजमेरी क्रॉस है। यहाँ लोकल में ही पैदा हुई थी? अरे लोकल में मेरे दोस्त के भाई पैदा हुई थी। दोस्त के ही पैदा हुई है। बच्चा दिए इसने? एक बार उससे वहाँ पे बच्चा दिए। और अभी खाली है? अभी लोड है 10-12 दिन की। हाँ, तो उसको खाली खाली बोल के देने की अपने। चलेगा। वैसे कितने में देना है आपको? ये अपने देना है 13,000 रुपए। 13,000 आस्किंग है। अगेन निगोशिएट करेंगे। हाँ, निगोशिएट जो कोई भाई को चाहिए जरूर कांटेक्ट करें। 13,000 रुपए में? 13,000। ओके, तो दोस्तों एक और क्रॉस बकरी है बोर्ड से। हाँ, वो दिखाएंगे अपन भाई के यहाँ। कब आई थी आपके पास ये? मैंने महीना हो गया। कहाँ से मंगाया आपने? ये इधर गांव से ली है, जम्बूसर से। ओके। हाँ, मतलब आई होप शायद बाप या माँ दोनों में से एक बोर रहा होगा। हाँ, वो हिसाब से कलर थोड़ा सा आया है वैसा, ठीक है। और ये बच्चा दी है आपके यहाँ भाई? वहाँ पे दी है। और अभी खाली है? अभी ईट पे है, पर भाई मेरे पास इसके साइज का बकरा नहीं, इसलिए लगाई। सही कहा आपने। ये कितने में देना है आपको? ये 7,000 रुपए कोट कर रहा हूँ, हो जाएगा निगोशिएबल। इसमें भी निगोशिएबल। बोर बकरी तला भाई लेके जाओ। 7,000 आस्किंग प्लस निगोशिएबल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने ब्रीडर को लास्ट के लिए रखा था, और जैसे कि भाई ने बताया, वैसे तो शौक से लिए अपने सेटअप के लिए, लेकिन क्योंकि इनको पतीरा में आगे बढ़ना है तो हैदराबादी नर का करेंगे क्या, तो वो हिसाब से इसको भी सेल करेंगे। कान कितने आ रहे इसके? इसके 17-7 कान है। 17-7 नापे हुए कान है। नापे हुए कान है। कोई रिंकल नहीं, कोई चिंटी नहीं है, ठीक है। गुलाबी है पीछे से कान। चेहरे पे पंच भी है बच्चे को। दांतों में कितना है भाई? दांतों में अभी रिसेंटली 4 दांत की है। रिसेंटली 4 दांत का, मतलब आगे चल के ये और अच्छा बनेगा, कान भी बढ़ाएगा इंशाल्लाह। अबलग गुलाबी बच्चा है, ठीक है। थोड़ा चेहरा इस तरफ करो, नाक भी देखेंगे लोग माशाल्लाह। तिरछी आंखों में भी है। हाँ, और ये बकरा कहाँ से खरीदे आप? ये बकरा मैंने लिया है इधर से, ये सूरत से लिया। सूरत से? कौन से फार्म से लिया बेटा? ये सूरत में दोस्त के फार्म से लिया। रिजल्ट आए उसके उधर? उसके उधर रिजल्ट आया है। अच्छे आए? हाँ। तो अभी ये लेकिन फॉर सेल है? हाँ, अभी फॉर सेल है। ठीक है, तो आपको एक कितने में देना है मेरे भाई? ये बकरा मुझे देना है 32,000 रुपए में। 32,000 रुपीज में बहुत जबरदस्त बकरा है, जबरदस्त, एक नंबर। छोड़ दो बकरा एक बार। ये एक पार्ट नहीं देनी है ना आपको मेवाती? एक पार्ट नहीं देनी है, एक पार्ट नहीं देनी है। हाँ, और एक आपका वो कालू भाई को नहीं देने का, ठीक है। हाँ, अगर किसी को आना है तो ये एड्रेस क्या है भरूच के अंदर? ये भरूच में मुस्लिम सोसाइटी है। स्टेशन से कितना दूर है बेटा? स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर पे फोन करके आई है, क्योंकि इनके शायद स्कूल वगैरह का टाइमिंग भी आप देखें। और मैं तो ऐसा रिकमेंड करूंगा कि मगरिब से लेके इशा के बीच में इनको फोन करो,
क्यों आप स्कूल जाते हो ना? यस यस। और बाकी भी चीजें होती है जैसे ट्यूशन वगैरह, इनकी पढ़ाई में खलल ना हो वो बात का ध्यान रखते हुए काम करें, ठीक है? हो सके तो मगरिब और रात में 10 बजे के बीच में इनको फोन करें। आपका नंबर बोलो एक बार। 9016712448। ठीक है, एक बार वापस बोलो आराम से। 9016712448। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और मैं एक और बात बता दूं कि बहुत स्टार्ट ही है आपका, मैं चाहूंगा आगे भी आपका वीडियो बनाऊं क्योंकि बहुत आप में पोटेंशियल है, मतलब आप बहुत इंशाल्लाह बहुत बड़े आदमी बनेंगे बकरे की लाइन में, ये दुआ करता हूं मैं, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंस्टाग्राम आईडी आपकी क्या नाम से? ASGOATSBHARUCH। मैं उसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इनको फॉलो कीजिए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, अस्सलाम वालेकुम। शानू भाई आप लोग भी आए, कैसा लगा थोड़ा बताइए भाई के बाजू में। तो थोड़ा सा कैसा है इसलिए बोला कॉल स्कूल टाइमिंग्स पे मत करो, ताकि घर पे भी डिस्टरबेंस ना हो माता पिता को, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के आए भाई, ठीक है? इंशाल्लाह आप लोग के यहाँ भी बहुत जल्द हम लोग भी वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अस्सलाम वालेकुम।